हम इंसान इस धरती पर कहां से आए? धरती पर घूमने फिरने वाली लाखों प्रजातियों का जन्म कैसे हुआ? आज से 4 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ और इसके साथ हमारी धरती का भी निर्माण हुआ। उस समय धरती 5000 डिग्री के तापमान में उबलता एक आग का गोला थी, जहां लावा के समंदर बह रहे थे। ऐसे समय में इंसान तो क्या किसी सूक्ष्म जीव का होना भी संभव नहीं था। इस उबलते ग्रह को रहने लायक बनने में 1 अरब साल का समय लगा। हमारी पृथ्वी पर 2 करोड़ सालों तक लगातार लाखों एस्ट्रॉइड्स की वर्षा हुई। इन एस्ट्रॉइड्स के अंदर पानी मौजूद था, जिससे हमारी पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हुआ। आज से 3.5 अरब साल पहले गहरे समंदर की पनाह में हम इंसानों के पहले पूर्वज यानी सूक्ष्म बैक्टीरियास का जन्म हुआ। इस समय पूरी पृथ्वी समुद्र में ही डूबी थी और वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। समुद्र में पैदा हुए अरबों बैक्टीरिया ने लगातार 2 अरब सालों तक पृथ्वी को ऑक्सीजन से भर दिया, लेकिन 3 अरब साल बीत जाने के बाद भी धरती पर आज के किसी भी जानवर का नामोनिशान नहीं था। इन 3 अरब सालों में धरती आज के किसी भी जीव जंतु के रहने लायक नहीं थी। अभी तक धरती पर इंसान की उत्पत्ति तो छोड़ो, एक घास का तिनका भी पैदा नहीं हुआ था, बल्कि जीवन समुद्र के अंदर तक ही सीमित था। आज से 55 करोड़ साल पहले समुद्र में अब कई प्रकार के जीव जन्म लेने लगे थे और इस समय तक धरती के चारों ओर ओजोन लेयर का निर्माण भी हो रहा था। लेट देवोनियन काल में 37 करोड़ साल पहले समुद्र में पैदा हुए बड़े जीवों को अधिक ऑक्सीजन की डिमांड होने लगी, जिस वजह से समुद्र में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। इस समय कुछ फिशेज ऐसी थीं जो शैलो वाटर में रहती थीं, पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनको सांस लेने के लिए समुद्र तल के बाहर आना पड़ता था और इस तरह कुछ समुद्री जीवों ने लैंड पर रहना शुरू कर दिया। लाखों साल के एवोल्यूशन के इस विकास क्रम में सबसे पहले एम्फिबियंस पैदा हुए, यानी उभयचर प्राणी, जो जल और थल दोनों में रह सकते थे, जिनसे आगे रेप्टाइल्स और बीतते समय के साथ मैमल्स और बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ। आज से 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जल, थल और नभचर जीवों का विकास हो रहा था, लेकिन अभी तक लगभग 4 अरब साल बीत जाने पर भी इंसान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। 4 अरब सालों के विकास के क्रम में सबसे पहले सूक्ष्म जीव बैक्टीरियाज और उनके आगे इनवर्टिब्रेट्स यानी बिना रीढ़ वाले जीव समुद्र में पैदा हुए, जिनके बाद वर्टिब्रेट्स और मछलियां पैदा हुईं। इसके बाद समुद्र में मौजूद जलचरों के आगे इवॉल्व होकर उभयचर जीव पैदा हुए। इन उभयचर यानी एम्फिबियंस से आगे चलकर रेंगने वाले जीव और इनसे आगे बर्ड्स और मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों का निर्माण हुआ। विकास के इस क्रम में प्रकृति के थपेड़े खाते खाते हजारों सालों में विशालकाय डायनासोर्स भी पैदा हुए, लेकिन अरबों सालों से लगातार चलते एवोल्यूशनरी साइकिल को एक आकाशीय घटना ने खत्म सा कर दिया था। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने धरती पर समस्त जीव प्रजाति के साथ डायनासोर को भी खत्म कर दिया था। इन 4 अरब सालों में धरती पर एक बार नहीं बल्कि 5 बार प्रलय ने जीवन को खत्म कर दिया। लेकिन डायनासोर्स के खत्म होने के बाद मैमल्स बच गए। ये मैमल्स चूहे जितने छोटे जीव थे, जो बिलों में छुप जाने की वजह से प्रकृति के कहर से बच गए। अब यही मैमल्स आगे चलकर मल्टी ट्यूबरक्यूलेट्स, एडेपिफॉर्म्स और कार्पोलेस्टीज जैसे मैमल्स में इवॉल्व होने लग गए। लाखों सालों में ये मैमल्स धीरे धीरे आज से 6 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स यानी बंदरों में इवॉल्व हुए। इन प्राइमेट्स का दिमाग अब बड़ा होने लगा। आज से 70 लाख साल पहले इन्हीं बंदरों से ऑस्ट्रलोपिथेकस एप्स इवॉल्व हुए। इस समय अफ्रीका की जमीन के टकराने से पहाड़ बने, जिनकी वजह से समुद्र में आने वाली हवाएं रुक गई थीं। सूखा पड़ गया था और इन एप्स ने खाने की तलाश करने के लिए 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था, ताकि वो दूर तक देख सकें और खाने की तलाश कर सकें। इस वजह से अब ये एप्स धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगे और इनके बाद आज से 15 लाख साल पहले
हम इंसानों के पहले पूर्वज होमो हैबिलिस का जन्म हुआ। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही इवॉल्व हुए थे। इनका ब्रेन साइज और बढ़ गया था और ये स्टोन टूल्स बनाकर यूज किया करते थे। आगे इन्हीं से इवॉल्व होकर होमो इरेक्टस का जन्म हुआ, जो होमो हैबिलिस से और अधिक इंटेलिजेंट थे। ये इंसान की पहली स्पीशीज थी जो अफ्रीका से माइग्रेट होकर बाकी कॉन्टिनेंट्स में चली गई। यही वजह थी कि इंसानों की ये स्पीशीज नए वातावरण में रहने की वजह से आगे और इवॉल्व होने लगी। आज से 4 लाख साल पहले इंसानों की एक नई प्रजाति होमो नियांडरथल्स की उत्पत्ति हुई, जो होमो इरेक्टस से काफी इंटेलिजेंट थे और आज के इंसानों की तरह अधिक दिखाई देते थे। वहीं पर आज 3 लाख साल पहले इसी समय तक हम इंसानों की आधुनिक प्रजाति यानी होमो सेपियंस भी पैदा हो गई थी, जिसने अभी तक बोलना, कपड़े पहनना आदि नहीं सीखा था। इंसानों की दूसरी प्रजाति नियांडरथल्स एक ऐसी प्रजाति थी जो एक्सट्रीम कोल्ड में रह सकती थी। इन सब से अलग हम होमो सेपियंस काफी इंटेलिजेंट और भाषा में विकसित थे। ये आइस एज का समय था। इंसानों की इन दोनों प्रजातियों ने आइस एज में आग का प्रयोग करते हुए और सोशल गैदरिंग करते हुए आइस एज को सर्वाइव कर लिया था। लेकिन कुछ कारणों से नियांडरथल प्रजाति आइस एज के अंतिम समय को सर्वाइव नहीं कर पाई और अंत में इंसानों की इतनी सारी प्रजातियों में हम मॉडर्न ह्यूमंस ही सर्वाइव कर पाए। हम इंसानों की और भी कई प्रजातियां इस बीच पैदा हुई थीं, जो अनेक कारणों से लुप्त हो गईं। उदाहरण के तौर पर 1 लाख साल पहले इंसानों की एक स्पीशीज होमो फ्लोरेंसिस भी पैदा हुई थी, जिसे हॉबिट स्पीशीज भी कहा जाता था। इनकी हाइट काफी कम होती थी, लगभग 3.5 फुट यानी 1 मीटर। इंसानों की ये प्रजाति भी कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन हम होमो सेपियंस अपने तेज दिमाग की वजह से लगातार सर्वाइव करते गए। हमने आग का आविष्कार करके पका हुआ भोजन खाना शुरू किया, जिस वजह से हमारे शरीर में भोजन पचाने में अधिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं हुआ और बची हुई इस अतिरिक्त ऊर्जा ने हमारे दिमाग को और विकसित किया। इस अतिरिक्त ऊर्जा की वजह से धीरे धीरे हमारे दिमाग का और अधिक विकास होने लगा। अभी तक इंसान धरती पर अवस्त्र घूमते थे। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने भाषा का आविष्कार किया, कपड़े पहनना और चित्रकारी करना भी सीखा। पिछले 4 अरब साल की हमारी ये कहानी ये बयान करती है कि ये सभी भांति भांति के जीव जिन्हें हम धरती पर देखते हैं, ये सभी हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। धरती पर मौजूद एक एक जीव जंतु शुरुआत में पैदा हुई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुए हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं के और हमारे पूर्वज एक ही थे। कहीं ना कहीं हम इंसान इन सब जीव जंतुओं से अलग नहीं, बल्कि हम इनका हिस्सा हैं। अरबों सालों के एवोल्यूशन के निशान हम एक माँ के गर्भ में आज भी देख सकते हैं। जब एक ह्यूमन एम्ब्रियो माँ के पेट में होता है, तब मात्र 24 दिन की स्टेज में हमारे सर के पास ये गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। इन्हें पेरिंकल पाउचेस भी कहा जाता है और ये गिल स्लिट्स मछली के अविकसित बच्चे में भी मौजूद होते हैं, जो आगे चलकर मछली के गलफड़ों में बदल जाते हैं। जबकि ये गिल स्लिट्स इंसानी बच्चे में कान, चेहरे और जबड़ों का हिस्सा बनते हैं और इसी तरह 6ठे हफ्ते में आकर इंसानी बच्चे में पूंछ भी विकसित होती है, जो उस समय हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन आगे के डेवलपमेंट में ये रीढ़ के निचले हिस्से में बदल जाती है। ये निशान हमें बयान करते हैं कि हम आज भी अपने इतिहास के निशान अपने साथ लेकर चल रहे हैं। धरती पर मौजूद सभी जानवर, गाय, घोड़े, हाथी, ऊंट, समुद्री जीव और सभी पशु पक्षियों के साथ हम इंसान आसमां से नहीं टपके, बल्कि अरबों साल के विकास क्रम में पैदा हुए हैं। आगे चलकर प्रकृति हम सब इंसानों को ना जाने किस रूप में बदल दे, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंसानों के धरती पर आने की इस कहानी को एक छोटे से वीडियो में समेटना संभव नहीं है, लेकिन एक सवाल, आपको क्या लगता है, अगर अन्य ग्रहों पर जीवन होगा तो क्या वहां भी एवोल्यूशन से हमारे जैसे इंसान पैदा होंगे या वो हमसे बिल्कुल अलग होंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।